घूम तो भाई साहब कैसे तुम सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे भाई। आई नो बड़े दिनों से लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर रहा तुम्हारा भाई, बहुत चलाउंस वगैरह, उसके अलावा एक दो दिन से वीडियोस भी नहीं आ रही, थोड़ा सा बिजी था बट आ गई भाई। कल गेम हुआ है रियल मैड्रिड से रियल सोसिडाड का, ऑब्वियसली थोड़ा स्ट्रगलिंग गेम था फॉर रियल मैड्रिड, थोड़ा मज़े वाला गेम नहीं हुआ बट क्योंकि आज में जो है पेनल्टीज मिली, कुछ फाउल्स हुए जिसकी वजह से गेम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ और स्कोर लाइन हमने 0-0 से लेकर 2-0 तक देखी। भाई पहले हम बात करते हैं कि भाई ये रियल मैड्रिड की टीम इतना स्ट्रगल कर क्यों रही है, मतलब पेनल्टीज के अलावा गोल मार क्यों नहीं पा रही। इसके वजह यही है कि भाई ऑब्वियसली हमारे पास एक ऐसा प्ले मेकर नहीं है जिस लाइक कि जो पास क्रिएटर नहीं है जैसा टोनी क्रूज था हमारे पास, अब वो ऐसी प्रोफाइल वाला कोई भी प्लेयर नहीं है जो कि पास एक ही टच से डिस्टेंस ए टू डिस्टेंस भी जाए और जिसकी वजह से टाइम भी कि मतलब ज़्यादा हमारा होता है स्पेंड और उसकी वजह से जो है चांसेस भी हमारे बिग चांसेस जो होते हैं वो मिस हो जाते हैं। खैर उसके बाद हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो भाई आज वाले गेम की जो सीन यह था कि भाई थोड़ा सा स्ट्रगलिंग गेम हुआ फॉर रियल मैड्रिड और देख सकते हो तुम लोग कि भाई दो गोल स्कोर किए, दोनों पेनल्टीज से आए, एक एम्बापे ने मारा और एक विनीशियस ने मारा। और भाई उसके अलावा हम स्टार्ट्स की बात करते हैं, शॉट्स देखो भाई तुम दोनों टीम के थोड़ा सा डिफरेंस है भाई। रियल स्टार्ट 11 शॉट्स उन्होंने क्रिएट किए हैं इस गेम में और रियल मैड्रिड ने 16 शॉट्स क्रिएट किए हैं इस गेम के अंदर, जो कि काफ़ी ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड चीज़ है कि भाई पता है रियल मैड्रिड ज़्यादा ही शॉट्स क्रिएटेड करेगी अगेंस्ट अदर टीम्स इन द लीगा। उसके बाद भी हम बात करते हैं कि पता चल शॉट्स क्रिएटेड का तो पता चल गया, अब शॉट्स ऑन टारगेट उनमें से कितना है, रियल सोसिएडाड के ओनली 2 शॉट्स ऑन टारगेट हैं जो कि कोर्टवाज़ ने बचाए थे, उसके अलावा भाई 6 शॉट्स ऑन टारगेट रियल मैड्रिड के हैं जो कि उनके कीपर आई डोंट नो व्हाट इज नेम इज़ भाई, बंदा इतना सॉलिड था इस गेम के अंदर रियल सोसिएडाड के कीपर की बात कर रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट हर सेव किया उसने सिवा पेनल्टीज़ के, ही वॉज डूइंग ग्रेट इन दिस मैच और भाई स्टिल उसने 2 गोल खा लिए फ्रॉम पेनल्टीज सो इट डजेंट काउंट। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई पोजीशन की, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ लगती है भाई फुटबॉल में, जो पुराने हमारे व्यूवर्स हैं उनको पता होगा इस बात का कि भाई पोजीशन के बारे में कितना ही मतलब गलत बातें बोलता रहता हूँ, मतलब नफरत मुझे इस चीज़ से। उसके बाद हम बात करते हैं कि पोजीशन दोनों टीम में से कितना था भाई, 52% फॉर रियल मैड्रिड और 48% फॉर रियल सोसिएडाड, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड चीज़ है जो कि हमें पता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बिग चांसेस क्रिएटेड देखा जाए तो भाई दो दो दोनों टीम्स के इक्वल हैं और जिसमें से 2 कन्वर्ट किए गए थे और फ्रॉम रियल मैड्रिड साइड और 2 वेस्ट किए गए थे फ्रॉम रियल सोसिएडाड साइड और जिसने डिफरेंस भी बना। उसके बाद भी हम बात करते हैं कि आज के मैच में एक्चुअली हुआ क्या, ये तो स्टेट्स हो गए ना, आज के मैच में एक्चुअली हुआ क्या भाई। सबसे पहले ये मोटर को सेट पीस मिली थी जो उसने मारी थी, अच्छा हेडर तो वैसे हेडर तो नहीं था बट मतलब बॉडी को टच वच होकर जो है अचानक से बॉल जो है गिरी थी गोल पोस्ट की तरफ, बट कीपर ने अगेन वही जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कीपर ने काफ़ी प्यारे तरीके से सेव किया। और उसके बाद हम बात करें तीसरे चीज़ की जो हुई थी, एम्बापे ने लास्ट को मारा भाई डिफेंडर को, ऑब्वियसली लाइक 1-on-1 में बंदा अभी भी ओके है, ही इज़ डिसेंट इनफ बट अगेन वही एम्बापे के लास्ट के बाद थोड़ा सा ड्रिबल करके जब फिनिश करने गया बंदा बॉल देखो कहाँ गई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई यही कि एम्बापे की जो है ना फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा पुअर है इन रियल मैड्रिड डेज, क्योंकि भाई बंदा ही इज़ स्ट्रगलिंग ऑब्वियसली इज अडॉप्टिंग टू द न्यू टीम बट स्टिल यार ही नीड्स टू फिनिश मोर क्रिटिकली इनफ। उसके बाद हम बात करते हैं भाई ये सब हुआ ही था कि भाई यहाँ पे बिल्डअप होता है और हैंडबॉल लग जाता है फ्रॉम रियल सोसिएडाड साइड और भाई पेनल्टी मिलती है जो कि विनीशियस थोड़ी देर बाद पेनल्टी मिलने के बाद भाई कन्वर्ट कर ही देता और फर्स्ट गोल ऐसे मिल जाता रियल मैड्रिड को और लीड मिल जाती रियल मैड्रिड को ऐसे ओवर रियल सोसिएडाड। उसके बाद भी हम बात करते हैं थोड़ी देर बाद एक अटैक आता और उसके बाद ही एक और अटैक आता जिसमें विनीशियस फाउल होता इन द बॉक्स, देख सकते हो तुम इस वीडियो में भाई, मतलब बंदा पास देने को करता है बट अन इंटेंशनली भी मतलब बंदे का रियल सोसिएडाड के डिफेंडर का पैर विनीशियस के पैर के ऊपर पड़ ही जाता है जिसकी वजह से पेनल्टी ऑब्वियसली वीएआर चेक होता है और उसके बाद पेनल्टी दी जाती है जो कि इस बार विनीशियस नहीं लेता, गोल कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद भाई ये सब सीन वही होता है कि भाई जाके दोनों बंदे भाई साथ में सेलिब्रेटिंग टुगेदर करते हैं भाई, साथ में खेल भी लो तो बेहतर है, सिर्फ सेलिब्रेट करने से क्या हुआ है हमें नहीं पता, तुम लोग खेल के सिर्फ। खैर तो मतलब काफ़ी पोअर गेम था इन रियल मैड्रिड ओपिनियन भाई मेरे हिसाब से, क्योंकि आई एम अ मैड्रिडिस्टा, क्योंकि भाई अगर दो दो पेनल्टीज मिलेंगी और हम पेनल्टीज स्कोर करके जीतेंगे तो भाई फिर गेम खेलने का क्या फ़ायदा, डायरेक्ट पेनल्टी शूट आउट में जाओ। तो भाई एंचेलोत्ती को कुछ वैसे करना पड़ेगा, इट्स नॉट ओके यार, इट्स नॉट ओके। अब हम लालीगा में टीम्स लाइक रियल सोसिएडाड, वैलाडोलिड और रियल बेटिस अगर हम ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं तो भाई आगे तो चैंपियंस लीग भी आने वाली है और आई डोंट नो क्या होने वाला है। तो भाई तो ये चैंपियंस लीग वैसी भी नहीं है कि जो हम बोलेंगे भाई हम जैसे तैसे जीत जाएंगे, तो ये तो मतलब स्केड्यूल वगैरह सारा रूटीन वगैरह सारा चेंज हो गया तो मे बी लक भी चला गया और रियल मैड्रिड का,
खैर देखते हैं आगे आने वाले डेज में होता क्या है, और वह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, पीस आउट, सी यू, अल्लाह हाफिज़। Pull up on you like agency, deta asrat manfi, tujh mein dar hai, I can sense it.